गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा है 5:30 का टाइम, हम लोग निकल रहे हैं। चलिए आपको भी लेक्चर बहुत आपका इशारा काफी होता है लेट नजरों में। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हिंदी ब्लॉगर जया। कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और ये देखिए, मैंने कर दी है पैकिंग स्टार्ट। ये पैकिंग मैंने कहाँ की है मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, ये मैं आपको कल मॉर्निंग में बताऊँगी। तो हम लोग सभी लोग जा रहे हैं, आप तो समझ गए होंगे पैकिंग तक, मतलब कहीं घूमने ही जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल कहीं घूमने जा रही हूँ, बट मैं ये कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको कल सुबह ही बताऊँगी। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी लोग अपने घर में काफ़ी टाइम से होंगे, तो थोड़ा चेंज देख के लाइफ में बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी थोड़ा चेंज के लिए जा रहे हैं सब कुछ, तो हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो चले मिलते हैं सुबह। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिंदी ब्लॉगर जिया। कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। अपना अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक बात करना चाहती हूं कि आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियली बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो लेकिन क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मतलब मैं उनको बोल भी नहीं सकती। देखिए फैमिली, हम लोग क्या होता है, हम लोग फैमिली के साथ कमेंट पढ़ते भी हैं, हंसते भी हैं, कमेंट सभी पढ़ते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मैं उनको बता भी नहीं सकती। कई लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं। तो देखिए, हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं, आप भी हम भी, तो प्लीज़, क्योंकि कमेंट ऐसी चीज़ें जो सभी पढ़ते हैं, तो जिससे क्या होगा, आपकी एक छवि भी बनती है, एक आपकी रैपोर बनती है, मेरी तो बनती बनती है, साथ में आपकी भी बनती है, तो किसके व्यूअर्स कहते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए, ताकि मुझे भी ना बुरा लगे, आप मुझे कमेंट करें और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी पूरा पूरा कर सकूं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान पूरा रखिए। तो चलिए इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं, जितना था मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना था, क्योंकि समझ आपका इशारा काफ़ी होता है मेरी नज़रों में। तो चलिए चलते हैं, आइए आज मैं आपको लेके चलती हूँ घुमाने सुबह सुबह, क्योंकि इस टाइम हो रहे हैं 5:30 का टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तैयार हूँ, हम सब तैयार हो गए हैं। इस टाइम हो रहा है 5:30 का टाइम और हम लोग निकल रहे हैं। चलिए आपको भी लेके चलती हूँ आज अपने घुमाने अपने मायके, चलिए अपने बुआ के यहाँ पे चलें, लेट्स गो। मास्क ने जिंदगी खराब कर रखी है, पता ही नहीं चलता क्या। अब मेकअप थोड़ा लग रहा है, हाँ तैयार है, हम जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए, हम लोगों ने गाजियाबाद, मेरे ख्याल से शायद हम लोगों ने गाजियाबाद क्रॉस कर दिया है, क्योंकि हम लोग को इतना बाहर का रास्ता मालूम नहीं है। हम लोग अब निकल तो गए हैं, देखिए मंजिल तक लगता है पहुँच तो जाएंगे पूछते पाछते। और ये देखिए, हम सभी लोग तैयार हैं, सभी ने मास्क वियर कर रखे हैं। मैंने सिर्फ अभी मास्क हटाया है, क्योंकि इसलिए डर लगता है, क्योंकि मास्क हटाने में भी आजकल सबको पता ही है। तो ये देखिए, हमारे ड्राइवर साहब भी हमारे मास्क लगा के बैठे हुए हैं। हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आज हम सारे घूमने निकल दिए, अब 2-4 दिन आपको गांव के दर्शन करवाएंगे। और ये देखिए पीछे बच्चे लोग भी हैं, सब बच्चों ने मास्क वगैरह अपना वियर किया हुआ है सभी लोग। अब 4-5 डेज हम लोग वहाँ पे रुकेंगे गांव में, तो सबको वही गांव की वीडियोस ही बनाएंगे, गांव का एंजॉय करेंगे।
तो जो जो लाइव शेयर करने की होगी मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। प्लीज बताइएगा जरूर आपको मेरी बुआ का ससुराल कैसे लगा, क्योंकि मेरे ससुराल आपको जब पूरी ये सब महामारी चली जाएगी तभी आपको अपने में ससुराल घुमाऊंगी, उसके पहले तो मतलब बनता ही नहीं है। और उसके पहले जो आसपास के हैं हमारे रिलेटिव्स हैं जो भी हैं तो उनके घर चलेंगे, एंजॉय करेंगे और आपको भी कराएंगे साथ के साथ। तो अभी हम लोग पहुँच गए, काफ़ी धूप भी निकलने लगे, सूरज देवता निकलने लगे हम, क्योंकि हम लोग अंधेरे में निकल गए थे 5:30 बजे करीब घर से, और अब 6:30 हो रहे हैं, 1 घंटा हो गया। तो बस मेरे को लगता है शायद 1-1.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे, 8 बजे तक हम बुआ के घर पहुँच जाएंगे। तो चलिए रास्ते का सफ़र तय करते हैं हंसते खेलते ऐसे ही। हम लोग टोल टैक्स पे पहुंच गए हैं और इतना ट्रैफिक जाम है टोल टैक्स पे हद से ज़्यादा। देखिए कितना टाइम लगता है, लगता है हमारा फर्स्ट टोल टैक्स हम क्रॉस करेंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। नहीं लगता को देखो क्या पीछे क्या बोल रहा था वो कराने के लिए फास्टैग, कोई फास्टैग मुझे तो पता नहीं क्या होता है, तो वो भी था लेन होता है कि फास्ट वो एक चिप लगा देगा यहाँ पे, मतलब एक अच्छा उससे हम कैश वाले खाली वाले। अब हमें बराबर नहीं आना होता ना तो बनवाने कोई फायदा नहीं है उस चीज का, कभी कभार आना है तो फिर बनवा लेना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए। हाँ ये हमारा मानना है, बाकी जिसको बनवाना है बनवाओ फुल फिर ये हमारी पर्सनल सोच है, तो उसमें तो कोई वो है ही नहीं, तो बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, थोड़ी ट्रैफिक भी ज़्यादा है। तो शुक्र है हम लोग सुबह टाइम से निकल गए, तो अदरवाइज अगर हम टाइम से नहीं निकलते तो हमको दिल्ली क्रॉस करनी भारी हो जाती रियली। जो लोग दिल्ली से उनको पता होगा दिल्ली में कितना ट्रैफिक जाम होता है हद से ज़्यादा। हमारा दिल्ली क्रॉस करना जो हमारे जो रिलेटिव्स आते हैं गाँव से, वो लोग बेचारे गाँव से पहुँच जाते हैं उस टाइम लगता है उनको, लेकिन दिल्ली से हमारे घर पहुँचने में दिल्ली में उनको कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और इतने में वो पूरा यूपी क्रॉस करके हमारे घर वहाँ पर दिल्ली आ जाते हैं, इतना ट्रैफिक जाम होता दिल्ली में। ये देखिए फ्रेंड्स इतना जाम था टोल टैक्स पे हद से ज़्यादा, यहीं पे हमें 2 से 2.5 घंटे कम से कम इस टोल टैक्स को क्रॉस करने में ही लग गए थे, कोई टाइम से निकलने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। जहाँ हमें 8 बजे पहुँचना चाहिए था हम वहाँ पे हम 10:30-11 बजे करीब पहुँचे थे, इतना ट्रैफिक जाम था, समझ ही नहीं आ रहा था पता नहीं क्या हो रहा था। हम लोग पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा ही टाइम रह रहा है हम लोग के पहुंचने में, अब थोड़ा इग्नोर कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत हिल रहा है कैमरा, तो हम सभी लोग पहुंच गए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं अपनी बुआ के गांव, और ये पीछे देखिए मेरा भाई बैठा हुआ है हमें लेने आया था, हम गुम गए थे रास्ता बहुत दूर लग रहा था, फाइनली हम बुआ के गांव आ गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, आपको सबसे मिलाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर से सबसे, फिलहाल तो हम गाड़ी में ही हैं, अभी जाएंगे सबसे मिलवाती हूँ आपको। बुआ है, फूफा जी है, दादी है, और छोटी बुआ है, छोटे फूफा जी हैं, और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे सबके, तो चलिए इंजॉय करेंगे। और इनकी भैंसे भी हैं, क्या नाम रखा है भैंस का शिक्षा अपनी बछड़ों का है, बच्चों का नाम भी रखा इन्होंने भैंस के जो बच्चे होते हैं उनका, भीम नाम, एक का नाम भीम रखा अभी अभी, एक का भीम है एक का गौरी है। तो चलिए आपको भीम गौरी दोनों से मिलवाऊंगी मैं, तो चलिए आ गए हम बुआ के। तो देखिए फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं फाइनली बुआ के गांव में, ये मेरा भाई बैठा हुआ है सामने, बुआ का बेटा है सबसे बड़ा, और ये है अन्नु, ये देखिए अभी थोड़ा साइड से दिख रही है, अभी इसको फ्रंट से दिखाऊंगी आगे से। तो हम लोग सभी थे इस टाइम, नहाया भी कोई नहीं, सबने हाथ मुंह धो लिए थे, सैनिटाइज कर लिया था अपने आप को, उसके बाद ही हम सभी इकट्ठे बैठ गए थे। और ये देखिए सभी लोग आ गए, हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी, घर के बने हुए पेड़े थे, काजू की जो नमकीन काजू होते हैं वो था, बट आज सच में 6 से 7 महीने के बाद घर से बाहर निकलने बहुत अच्छा लग रहा था, और क्योंकि अपने ही घर पर गए थे तो कोई शर्म की बात भी नहीं थी,
और लेकिन एकदम जगह चेंज हो गई थी, सब कुछ चेंज हो गया था और रियली एकदम माइंड फ्रेश हो गया था उस। अभी तो हम जाके बैठे ही थे, अभी 4-5 दिन रहेंगे तो और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो देखिए फूफा जी उठ के चले गए हैं। अब फूफा जी को बुआ बहुत देर से कह रही थी कि आप ये लुंगी और ये पहन के बैठे हैं, बनियान अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ चेंज करके आओ। तो देखिए अब फूफा जी आ गए हैं, ये चेंज करके बैठ गए फूफा जी अपने पैंट शर्ट डाल के। तो सब बातें बहुत मजाक उड़ाते थे, हंस भी रहे थे फूफा जी को देख देख के। तो लेकिन बट ये तो फूफा जी भी ठीक है वो भी। और आज फूफा जी का हमारे बर्थडे भी है, 1 अक्टूबर को फूफा जी का बर्थडे होता है, तो हैप्पी बर्थडे फूफा जी। और लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा, अपना थोड़ा बहुत आसपास में हो तो ज़रूर जाना भी चाहिए इंसान को, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है बट उनको निभाना बहुत ही मुश्किल होता है सच में। तो आज बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं बुआ के यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको अपनी बुआ से मिलवाती हूँ और फूफा जी से। ये देखिए ये मेरी बुआ है और ये मेरी बुआ नहीं, बुआ कम बहन ज्यादा है। तो हमारे में ये सब चीजें होती रहती है, बुआ लड़ाई भी खूब होती है, प्यार तो है ही है उसकी कोई बात ही नहीं है, बट लड़ाई भी खूब होती है। और जो पीछे दिखे आपको छुपके से देख रहे हैं, फूफा जी वेट करें मेरा इंट्रोडक्शन कब कराएगी और मैं भी खड़ा हूँ फटाफट से। और ये मेरे फूफा जी है, ये पापा की जगह है, हमारे पापा का इसका बिल्कुल महसूस नहीं देते, फूफा जी है। और भाई बहन सब अभी नहाए वाए नहीं है तो अभी आने सब शर्मा रहे हैं, तो नहा के आ जाएंगे, उसके बाद उसमें आपका इंट्रोडक्शन करा दूँ सबसे। और ये है मेरी छोटी सिस्टर अन्नू, मैंने अब बताया था रात को आपको। तो ये मेरी सिस्टर है अन्नू, बुआ की बेटी, और बेटे से मिलवाया था अभी, और एक बेटा भी और दिखाऊंगी आपको। और छोटे भाई बहन दो दो तीन तीन और हैं, उन सबसे मिलवाती हूँ शाम को। तो अभी हम नहा वा लेते हैं क्योंकि अभी हम नहाए भी नहीं, मैसेज आके डायरेक्ट ही मिल गए इन लोगों से। अभी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आराम से। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम सबका खाना स्टार्ट हो गया है। और ये मेरी मैं सेल्फी स्टिक दिखा रही हूँ, मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई थी आज, इतना नुकसान हो गया आते आते, न जाने कहाँ पे नट बोल्ट खुल के गिर गया है इसका सेल्फी स्टिक का। तो ये अब हम ये तीनों फूफा जी ये और सक्षम बुआ का बड़ा वाला बेटा ये सब लोग खाना खा रहे हैं। तो आज लंच में था छोले पूड़ी आलू गोभी की सब्जी चावल और रायता। और यहाँ का मुझे एक सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि जो रायते की बूंदी बनती है लोग घर पे ही बनाते हैं, बाजार से बिल्कुल नहीं खरीदते हैं, वो सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ताज़ी ताज़ी बूंदी जितनी खानी है फटाफट अपनी फ्रेश फ्रेश बनाओ और खाओ। और उसके बाद फिर मेरा और बुआ का नंबर आ गया था क्योंकि बच्चे सारे इकट्ठे होकर बाहर खा रहे थे कॉरिडोर में सब बच्चे, तो मैं और बुआ अंदर खा रहे थे, बातें भी कर रहे थे, गपशप भी लड़ा रहे थे और मज़ा ही बहुत आ रहा था और खाना खा रहे थे आराम से। देखिए फ्रेंड्स पेड़े खाइए, घर के बने हुए पेड़े, ये घर में क्या दूध फड़ते हैं अच्छा। ये घर में जो मेवा मेवा जला के खोए वो क्या दूध जला के जो मावा बनाते हैं उसके पेड़े हैं। और ये चाय, शाम की चाय की तैयारी हो रही है, ये सब देखिए बैठे हुए हैं। ये छोटी बुआ और की बेटी है, ये लवी छोटी बुआ की बेटी, लवी हाय, और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, बिलीव मी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो रही है कुट्टी कटने की तैयारी, जो भैंसों को चारा डलता है सभी को पता होगा, जो लोग गांव से रिलेटेड जो लोग गांव से संबंध रखते होंगे देखिए सबको। और ये भी लग गए हैं साथ में कि ला थोड़ा सा मैं कटवाता हूँ। तो आज सभी लगे हुए थे अपनी जो 6 महीने की वो थी कसर, वो सब पूरी करने में लगे हुए थे। ये देखिए और ये सामने से मेरा बेटा देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इनका द्वार है। तो यहाँ से देखिए सामने से ये घेर है इनका, तो यहाँ से भैंस का जो बच्चा है वो लेके आ रहा है। ये देखिए मेरा बेटा बहुत ही कहते हैं ना ज़मीन से जुड़ा हुआ जो कहते हैं वो है। और ये देख और ये देखिए ये भाई है छोटा बुआ का बेटा, और ये देखिए भैंस कितनी तेज़ स्पीड से आई हैं और आगे देखिए कितनी स्पीड, और ये देखिए कितनी स्पीड से गई हैं ये देखिए, क्योंकि अब ये दिन में वहाँ छाया में बांध देते हैं और शाम को यहाँ पे ले आते हैं। और ये छोटी बुआ है जो भैंसों को चारा डाल रही है इस टाइम पे, और इनका बेटा ये देखिए पानी पिला रहे हैं सब बच्चे इकट्ठे होकर, भैंसों के छोटे छोटे बच्चे हुए हैं अभी, और एक तो समझे खाली 20 डेज़ का ही है अभी। और सबसे और ये देखिए ये मैं बुआ के साथ गई थी छोटी बुआ के साथ, तो मैंने कहा था लाओ बुआ मैं थोड़ा गोबर फेंकती हूँ आपका, तो मैं इस सर पे जो इंडी बनाते हैं तो ये बन नहीं रहती चुन्नी, चुन्नी बहुत सिल्क के कपड़े की, तो उन्होंने ऐसा कहा तुम ऐसे डाल लो सर पे। और फिर देखिए मैंने सिर्फ 2 ही परात डाला था, ज़्यादा परात मैंने नहीं डाला गोबर, तो मैं ये 2 परात गोबर डाल के आई थी फटाफट।
तो ये शौक कह लीजिए, शौक लग रहा था इसलिए। और सबसे अच्छा मुझे जो लगा आज रियली, ये शायद ये देखिए छोटी सी बच्ची है, ये शायद 2 से 3 साल, 3 साल की है शायद। और आप एक ये देखिए, और ये भैंस का गोबर उठा रही है। और रियली इतना देख देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि क्योंकि अच्छे अच्छे लोग नहीं उठा पाते हैं, बिलीव मी। और ये देखो उनको कहा कि ये प्रात उठवा दो, तो इसने प्रात भी उठवाई। और फिर मुझे बुला रही है कि बुआ जी आ जाओ, ये देखो। और फिर दोबारा आएगी, देखिए अब दोबारा गोबर उठाएगी। मतलब बच्ची को बिल्कुल घिन नहीं लग रही, वरना अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े नहीं उठा पाते हैं, ये देखिए। और अपने हाथ से बड़ा, जितना इसका हाथ छोटा है अपने हाथ से बड़ा, देखिए प्रॉपर बना के फिर उठा के और प्रात में भर देगी, ये देखिए। है ना कमाल, इतना छोटा बच्चा देखिए। और इसको कोई नहीं कहता, बच्ची मानती नहीं है, ये शौक से, ये देखिए फिर उठाएगी और ये फिर प्रात में। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, तो इस बच्ची के लिए प्लीज़ भर भर के लाइक कीजिएगा ज़रूर। ये देखिए फ्रेंड्स, भीम, ये देखिए इसका नाम भीम रखा हुआ है। ये अभी न्यू बॉर्न बेबी है, एक महीने का है ना, ये 20 दिन का है। ये देखिए भीम, भीम, ये देखिए ये भीम के नाम से सुनता भी है, ये देखिए। अभी ये सिर्फ 20 डेज का है, 20 दिन का हुआ है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी बुआ का गाँव अच्छा लगा होगा। अभी चलेंगे थोड़े दिन में, कल फिर चलेंगे सुबह शायद, गंगा जी वगैरह जाएंगे, फिर आपको सुबह का दिखाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। किसी भी रीज़न से वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिंग टिंग वाली बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय।